शाहजहांपुर जनपद में विकासखंड जैतीपुर की ग्राम पंचायत खमरिया मजरा मौगटा के हाल बेहाल हैं। इस गांव की जो मेन रास्ता है उस पर जगह जगह कीचड़ व पानी जमा है। जब बारिश हो जाए तो यहां के लोगों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि इस रास्ते पर जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं। इस खड़ंजे पर लगभग 200 मीटर तक नालियां नहीं हैं और जहां नालियां हैं वहां टूटी हुई हैं, लेकिन ग्राम प्रधान इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। दोनों तरफ नाली टूटी है, उसके ऊपर गंदगी आ रही है, मिट्टी कीड़ा मार लकलका की चल रही है। कीचड़ क्यों रही है, नाली भरी क्यों है? हमारी सफाई नहीं होती है, मिट्टी भरी न में सफाई क्यों नहीं हो रही है? सफाई की वजह क्या है? सफाई वालों कोई आवता ही ना है, सफाई करे का नालियां ना रही, नालियां सब टूटी आई, नाली टूटी हुई है। हाँ, और सफाई करने कितने दिनों से नहीं आ रहा है? दो तीन महीना हुई है। आपको इस कीचड़ से क्या क्या परेशानी आती है? बहुत परेशानी आएगी, पानी भर जाती बहुत, लेकिन ना मिलती। पानी कैसे भर जाता है? बरसात से। बरसात हो तो यहाँ कितना पानी भर जाता है? भर जाता है दो ही फोटो ऊँचो। किसी प्रकार कोई वो नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पानी जल जल भरा हुआ है, तो नाली नहीं है, नाली ना होने के कारण यहाँ जल तो भरा हो गया। शाहजहांपुर जनपद में विकासखंड जैतीपुर के कस्बा गड़िया रंगीन में मेन रोड की हालत बहुत खराब है। लोगों ने बताया कि ये रोड इस कस्बे का मेन रोड है, जो कई सालों से उखड़ा हुआ है। थोड़ी सी भी बारिश हो जाने पर पूरी मार्केट का पानी इस रोड पर आकर जमा हो जाता है। इस रोड से होकर रोजाना कई सरकारी रोडवेज बसें गुजरती हैं, जो गड़िया रंगीन से शाहजहांपुर बरेली बदायूं व कई शहरों से होकर दिल्ली के लिए जाती हैं। लेकिन फिर भी इस रोड की मरम्मत नहीं की जा रही है। आए दिन यहां की जनता को काफी परेशानी होती है। लोगों ने इस रोड की मरम्मत किए जाने की मांग की है। भैया ये कीचड़ नहीं है, अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, थोड़ी सी बारिश, उसमें ये जो यहाँ पे जितनी भी मिट्टी पड़ी थी ना, सारी की सारी मिट्टी यहाँ रोड पे आ गई है। इतनी दिक्कतें होती है यहाँ के क्षेत्रवासियों को कि हम कह नहीं सकते। कीचड़ से गुजरने में आपको क्या क्या समस्या आती है? बोल। चलो भैया लिखा तो नहीं जाते, जाने तो ना बुक भी लिखा था, ना ट्रक लिखा था, ना कोई चीज नहीं लिखा। ये सड़क जो लगभग 5-6 वर्ष से उखड़ी हुई पड़ी है, तब से हमारी मोटरसाइकिल के टायर जो है से कम 5 बार रिन्यूअल हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति के टायर, चाहे वो गाड़ी के हों, चाहे वो फोर व्हीलर के हों, चाहे वो ट्रक के हों, उसके नए डलाने पड़ते होंगे। ये सड़क जो कि बाईपास है, इसका बनना इतना ही जरूरी है जितना कि व्यक्ति के लिए भोजन।